आप देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से, जहां उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम गोविंदी में टोल के पास कृषि महाविद्यालय का विधि विधान पूर्वक विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिला पूजन किया। पूजन के पश्चात डॉक्टर चौधरी व तहसीलदार सतीश कुमार राव ने महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु शिलान्यास किया। इस अवसर पर तहसीलदार सतीश कुमार राव ने संबोधित करते हुए कहा कि कृषि महाविद्यालय के रूप में नावा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात मिली है। इससे बच्चों को शिक्षण के लिए नावा से बाहर दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में जागृति लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। प्राचार्य वंदना चौधरी ने इसे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए क्षेत्र के बच्चों के लिए इसे स्वर्णिम का जिला उपाध्यक्ष माधव प्रसाद दूत ने कहा कि हमारे लाडले विधायक व सरकार में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की अनुशंसा पर नावा को राजकीय कृषि महाविद्यालय की सौगात मिली है। विधायक चौधरी की ओर से नावा में शिक्षा, चिकित्सा व अन्य क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाया गया। शिलान्यास कार्यक्रम आयोजन समिति की ओर से जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष माधव प्रसाद दूत, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बाबूलाल बजाज, पूर्व प्रधान कैसाराम लोरा, पार्षद निरंजन जागीर, मुलाराम रणवा, पूर्व सरपंच श्यामलाल खेरवा, राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याता राजेश चौधरी, प्राचार्य डॉक्टर वंदना चौधरी व तहसीलदार सतीश कुमार राव का माला व सांपा पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जयराम किलका, इंदर किलका, चेनाराम गुजर, दिनेश शर्मा, महेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।